श्री हरिवंश श्री राधावल्लभ श्री हरिवंश ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राम द्वारा अपने नगरवासियों को बहुत बड़े ज्ञान का उपदेश दिया गया। श्री रामचरित मानस में इसका वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को भगवान श्री राम जी की यही बातों को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, अर्थात धारणा में लानी चाहिए। यदि व्यक्ति सत्संग को सुनने के बाद उसका मनन करता है और धारणा में लाता है, धारणा अर्थात अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करता है, तो वह सत्संग सफल होता है। तो हमें भी भगवान की बातों को सुनकर उसका मनन करते हुए जीवन में धारणा में लाने से हमें परम आनंद परम गति प्राप्त होगी। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आ गए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग स्थान पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ने वचन बोला। क्या बोला? भगवान कहते हैं कि सुनाहु सकल पुर जन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय से में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूं, न अनीति की बात कहता हूं, न इससे कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार कार्य करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही बर जहू भर भय बिसराई। वही सेवक मेरा है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे ही परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम तथा मोक्ष का दरवाजा है ये मनुष्य शरीर। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर कर्म पर ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मम देही, पलटी सुधाते सठ विसलेही। भगवान श्री राम कहते हैं भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग बिल्कुल नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य लोग शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई, आकर चार लक्ष चौरासी, जानी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुगची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। वह अविनाशी जीव चारों खाने और 84 लाख योनि के में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हुए तो सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुरु से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान कभी बिरले ही दया करके इसको मनुष्य शरीर को देते हैं। नरतन भव बारिधि कहु बेरो, सनमुख मारुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भाव सागर के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले इस शरीर से साधन से सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंद मती आत्महन गति जाई। भगवान कहते हैं जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वह कृतघ्न मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो पर लोक इह दुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग भई यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन नमन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पाई पावई कोयो, भक्तिहीन मोहिही प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम अर्थात दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने के कारण मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सतसंगति संस्रति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं प्राप्त कर सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन प्रिय विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करहि दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है, वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों में पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। और हूं एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। काहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न किसी प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता है, न तप न जप उपवास की भी यहां आवश्यकता नहीं। सरल स्वभाव हो
मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करही तो कहूं कहा विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। बैर न बिग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अने अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय हैं। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं, अर्थात जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, वो प्रीति सदा सज्जन सत्संग संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, वह मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जा नहीं परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है, परमात्मा स्वरूप हो गया है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा निधान के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत वचन के वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हो और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता प्रणता रतिहारी, असि सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले मेरे राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थ परायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक अनुसारी, स्वारथ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप हो प्रभु, दूसरे आपके सेवक हैं। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर साने, निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बात कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन
सुनकर श्री रघुनाथ जी का जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सभी प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी राधा 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 श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।